नमस्कार, आप देख रहे हैं उनका 24/7। एक बार फिर से वही गली नंबर 4 खड्डा कॉलोनी जी ब्लॉक का गली नंबर 4 जहां हम खड़े थे। पहले आपको बताया कि यहां एक मकान को तोड़ने के लिए ही एमसीडी के लोग दर्जनों बार आए, आखिरकार उस 5 मंजिली इमारत को गिरा दिया और पूरी ताकत झोंक दी, पूरा बजट लगा दिया उस मकान को गिराने में। लेकिन वही एमसीडी इस जी ब्लॉक के गली नंबर 4 में कभी साफ सफाई के लिए नहीं आती और यहाँ नालियों की जो हालत है आप देख रहे हैं। बिल्कुल हाँ, दूसरे पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, आपको दिखलाता हूँ यहाँ नाली की क्या हालत है। ये नाली बुरी तरह से जाम हुई पड़ी है और यहाँ जो है साफ सफाई के नाम पर निगम के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये वही एमसीडी है, ये वही निगम है जिसने इस मकान को तोड़ा था। यहाँ जी ब्लॉक के गली नंबर 4 के मुहाने पे जो 5 मंजिली इमारत हुआ करती थी उसको गिरा देने के लिए इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन वही एमसीडी आज कहाँ है जो यहाँ इस गली में साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है और यहाँ के लोगों को बीमारियां परोसी जा रही है। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं है कि थोड़े ही दिन बाद जब यहाँ पे बरसात होना शुरू होंगे, मच्छर पैदा होंगे, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां होंगी और यहाँ के लोग जो है महामारी के शिकार होंगे। लेकिन निगम को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, निगम पार्षद को कुछ भी लेना देना नहीं है और यहाँ के लोग इस नरक भरी जिंदगी में जीने को विवश हैं। जी हाँ, बने रहिए आप हमारे साथ, आपको लेके चलते हैं किसी और गली में, दिखलाते हैं खड्डा कॉलोनी एक्सटेंशन पार्ट 2 के एक एक गली का जायजा लेंगे। 98S जयपुर वार्ड की आपको दिखलाते हैं साफ सफाई के नाम पर क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे।